एक अरब से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास यहाँ पर किया गया, तो वहीं पंचायत सरकारी भवनों का उद्घाटन किया गया। पंचायत सरकार भवन और तालाब का निरीक्षण भी इस दौरान किया गया। सीएम नीतीश ने गयाडोबी रोड का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद को यह बड़ी सौगात दी। सीएम ने पटना डोबी फोर लेन का निरीक्षण किया और निर्माणाधीन ओवरब्रिज को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। सीएम ने कल्पा पंचायत भवन का निरीक्षण करते हुए जिले के 22 योजनाओं में करीब 1 अरब 24 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। लगभग आधे घंटे के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से योजनाओं के संबंध में जानकारी ली है। तो वहीं सीएम के दौरे को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। तो वहीं NHAI के डायरेक्टर गुलाम कदारी ने बताया है कि 2 महीने में सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 30 सितंबर को हम लोग जो है ये पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे और 2 महीने बाद जो हमारा ये राइट वाला जो लेन है इसको भी ओपन कर दिया जाएगा। सीएम साहब ने आज क्या क्या देखा है? सीएम साहब ने जो है इसका जो है पूरा चर्चा किया है, समीक्षा किया है और संतुष्ट है जैसा देखा है। दिशा निर्देश ये है कि जल्दी खत्म किया जाए इसको, बहुत दिन का प्रोजेक्ट है। कब तक पूरा कर लिया जाएगा? 2 महीना और लगेगा इसको। दिसंबर का हम लोग बोले हैं कि ये बाकी का लेन भी जो है स्टार्ट हो जाएगा। कितना देर टाइम दिया पे? थोड़ी देर रुके हैं, समीक्षा किए हैं, फिर आगे बढ़ गए। जहानाबाद जिला में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम था। कल्पा पंचायत के पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन और जिले के कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहीं से रिमोट से कर दिया और जाकर भी उन्होंने जो यहाँ तालाब बहुत अच्छा तालाब बना हुआ है उसका भी निरीक्षण उन्होंने किया। तो पंचायत सरकार भवन यहाँ मुखिया को भी दरकिनार किया गया, यहाँ तक विधायक को भी दरकिनार किया? ऐसा कुछ नहीं, सब लोगों को आमंत्रित करके बुलाया गया था। और दरकिनार कैसे किया जा सकता? लगभग कितने योजनाओं का शिलान्यास हुआ और कितने का सारा उद्घाटन लगा हुआ है? यहाँ पे करीब 1 अरब से ऊपर का यहाँ योजना का शिलान्यास उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार ने जहानाबाद को बड़ी सौगात दी है। 1 अरब से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास यहाँ पर किया गया। तो वहीं पंचायत सरकारी भवनों का उद्घाटन किया गया। पंचायत सरकार भवन और तालाब का निरीक्षण भी इस दौरान किया गया। सीएम नीतीश ने गयाडोबी रोड का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद को यह बड़ी सौगात दी। सीएम ने पटना डोबी फोर लेन का निरीक्षण किया और निर्माणाधीन ओवरब्रिज को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। सीएम ने कल्पा पंचायत भवन का निरीक्षण करते हुए जिले के 22 योजनाओं में करीब 1 अरब 24 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। लगभग आधे घंटे के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से योजनाओं के संबंध में जानकारी ली है। तो वहीं सीएम के दौरे को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। तो वहीं NHAI के डायरेक्टर गुलाम कदारी ने बताया है कि 2 महीने में सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 30 सितंबर को हम लोग जो है ये पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे और 2 महीने बाद जो हमारा ये राइट वाला जो लेन है इसको भी ओपन कर दिया जाएगा। सीएम साहब ने आज क्या क्या देखा है? सीएम साहब ने जो है इसका जो है पूरा चर्चा किया है, समीक्षा किया है और संतुष्ट है जैसा देखा है। दिशा निर्देश ये है कि जल्दी खत्म किया जाए इसको, बहुत दिन का प्रोजेक्ट है। कब तक पूरा कर लिया जाएगा? 2 महीना और लगेगा इसको। दिसंबर का हम लोग बोले हैं कि ये बाकी का लेन भी जो है स्टार्ट हो जाएगा। कितना देर टाइम दिया पे? थोड़ी देर रुके हैं, समीक्षा किए हैं, फिर आगे बढ़ गए। जहानाबाद जिला में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम था। कल्पा पंचायत के पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन और जिले के कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहीं से रिमोट से कर दिया और जाकर भी उन्होंने जो यहाँ तालाब बहुत अच्छा तालाब बना हुआ है उसका भी निरीक्षण उन्होंने किया। तो पंचायत सरकार भवन यहाँ मुखिया को भी दरकिनार किया गया, यहाँ तक विधायक को भी दरकिनार किया? ऐसा कुछ नहीं, सब लोगों को आमंत्रित करके बुलाया गया था। और दरकिनार कैसे किया जा सकता? लगभग कितने योजनाओं का शिलान्यास हुआ और कितने का सारा उद्घाटन लगा हुआ है? यहाँ पे करीब 1 अरब से ऊपर का यहाँ योजना का शिलान्यास उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार ने जहानाबाद को बड़ी सौगात दी है। 1 अरब से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास यहाँ पर किया गया। तो वहीं पंचायत सरकारी भवनों का उद्घाटन किया गया। पंचायत सरकार भवन और तालाब का निरीक्षण भी इस दौरान किया गया। सीएम नीतीश ने गयाडोबी रोड का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद को यह बड़ी सौगात दी। सीएम ने पटना डोबी फोर लेन का निरीक्षण किया और निर्माणाधीन ओवरब्रिज को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। सीएम ने
कल्पा पंचायत भवन का निरीक्षण करते हुए जिले के 22 योजनाओं में करीब 1 अरब 24 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। लगभग आधे घंटे के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से योजनाओं के संबंध में जानकारी ली है। तो वहीं सीएम के दौरे को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। तो वहीं NHAI के डायरेक्टर गुलाम कदारी ने बताया है कि 2 महीने में सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 30 सितंबर को हम लोग जो है ये पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे और 2 महीने बाद जो हमारा ये राइट वाला जो लेन है इसको भी ओपन कर दिया जाएगा। सीएम साहब ने आज क्या क्या देखा है? सीएम साहब ने जो है इसका जो है पूरा चर्चा किया है, समीक्षा किया है और संतुष्ट है जैसा देखा है। दिशा निर्देश ये है कि जल्दी खत्म किया जाए इसको, बहुत दिन का प्रोजेक्ट है। कब तक पूरा कर लिया जाएगा? 2 महीना और लगेगा इसको, दिसंबर का हम लोग बोले हैं कि ये बाकी का लेन भी जो है स्टार्ट हो जाएगा। कितना देर टाइम दिया यहाँ पे? थोड़ी देर रुके हैं, समीक्षा किए हैं और फिर आगे बढ़ गए। जहानाबाद जिला में मुख्यमंत्री जी का खासा उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम था। कल्पा पंचायत के पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन और जिले के कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहीं से रिमोट से कर दिया और जाकर उन्होंने जो यहाँ तालाब बहुत अच्छा तालाब बना हुआ है उसका भी निरीक्षण उन्होंने किया। तो पंचायत सरकार भवन यहाँ मुखिया को भी दरकिनार किया गया, यहाँ तक विधायक को भी दरकिनार किया? ऐसा कुछ नहीं, सब लोगों को आमंत्रित करके बुलाया गया था और दरकिनार कैसे किया जाए। लगभग कितने योजनाओं का शिलान्यास हुआ और कितने का ये हुआ है? सारा उद्घाटन लगा हुआ है यहाँ पे, करीब 1 अरब से ऊपर का यहाँ योजना का शिलान्यास उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार ने जहानाबाद को बड़ी सौगात दी है। 1 अरब से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास यहां पर किया गया। तो वहीं पंचायत सरकारी भवनों का उद्घाटन किया गया। पंचायत सरकार भवन और तालाब का निरीक्षण भी इस दौरान किया गया। सीएम नीतीश ने गयाडूबी रोड का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद को यह बड़ी सौगात दी। सीएम ने पटना डूबी 4 लेन का निरीक्षण किया और निर्माणाधीन ओवरब्रिज को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। सीएम ने कल्पा पंचायत भवन का निरीक्षण करते हुए जिले के 22 योजनाओं में करीब 1 अरब 24 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। लगभग आधे घंटे के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से योजनाओं के संबंध में जानकारी ली है। तो वहीं सीएम के दौरे को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। तो वहीं NHAI के डायरेक्टर गुलाम कदारी ने बताया है कि 2 महीने में सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 30 सितंबर को हम लोग जो है ये पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे और 2 महीने बाद जो हमारा ये राइट वाला जो लेन है इसको भी ओपन कर दिया जाएगा। सीएम साहब ने आज क्या क्या देखा है? सीएम साहब ने जो है इसका जो है पूरा चर्चा किया है, समीक्षा किया है और संतुष्ट है जैसा देखा है। दिशा निर्देश ये है कि जल्दी खत्म किया जाए इसको, बहुत दिन का प्रोजेक्ट है। कब तक पूरा कर लिया जाएगा? 2 महीना और लगेगा इसको, दिसंबर का हम लोग बोले हैं कि ये बाकी का लेन भी जो है स्टार्ट हो जाएगा। कितना देर टाइम दिया यहाँ पे? थोड़ी देर रुके हैं, समीक्षा किए हैं और फिर आगे बढ़ गए। जहानाबाद जिला में मुख्यमंत्री जी का खासा उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम था। कल्पा पंचायत के पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन और जिले के कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहीं से रिमोट से कर दिया और जाकर उन्होंने जो यहाँ तालाब बहुत अच्छा तालाब बना हुआ है उसका भी निरीक्षण उन्होंने किया। तो पंचायत सरकार भवन यहाँ मुखिया को भी दरकिनार किया गया, यहाँ तक विधायक को भी दरकिनार? ऐसा कुछ नहीं, सब लोगों को आमंत्रित करके बुलाया गया था और दरकिनार कैसे किया जाए। लगभग कितने योजनाओं का शिलान्यास हुआ और कितने का ये हुआ है? सारा उद्घाटन लगा हुआ है यहाँ पे, करीब 1 अरब से ऊपर का यहाँ योजना का शिलान्यास उद्घाटन।